से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आज हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज यूनिट 3 का सेशन नंबर 3 है। जो सेशन नंबर 3 हमारा, दैट इज़ बेसिकली थंब, फिंगर एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस के बारे में है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने फेस और पाम रिकॉग्नाइजेशंस पढ़ा है, अब बेसिकली थंब रिकॉग्नाइजेशन क्या है। इन द लास्ट सेशन वी एक्सप्लोर द टेक्निक ऑफ फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड पाम रिकॉग्नाइजेशंस। देर आर मेनी अदर यूनिक ट्रेट्स इन ह्यूमन दैट कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज्ड। कुछ और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं लाइक थंब और फिंगर रिकॉग्नाइजेशन, आयरिस रिकॉग्नाइजेशन एंड करेक्टर और सिग्नेचर रिकॉग्नाइजेशंस। जैसे देखिए, थंब फिंगर रिकॉग्नाइजेशन इंट्रोडक्शन में क्या है, हैव यू सीन इलिटरेट पीपल यूजिंग द थंब प्रिंट इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नेचर। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि थंब प्रिंट का यूज करते हैं कंपेयर टू सिग्नेचर। डू यू नो वाई दिस मैथड इज फॉलोड, क्या आप जानते हैं कि मैथड क्यों यूज होता है। इट इज़ बिकॉज थंब फिंगर प्रिंट ऑफ ए पर्सन आर यूनिक, क्योंकि थंब की जो प्रिंट होती हैं वो भी हर बंदे की क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। देर इट इज़ नो अदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज़ हैविंग द सेम फिंगर प्रिंट एज यूअर्स, मतलब किसी भी दूसरे बंदे की वो फिंगर प्रिंट नहीं हो सकती जो आपकी हैं, ठीक है, इवन यूअर ट्विंस। नाउ देखें, मतलब आपकी दोनों उंगलियों की भी मतलब फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती हैं। नाउ प्रोसीजर क्या है, प्रेस यूर थंब एंड इंडेक्स फिंगर इन एन इंक पैड, इंक पैड पे लगाइए और कहीं भी उसको ड्रॉ कर दीजिए। नाउ प्रेस यूर फिंगर ऑन ए वाइट सीट ऑफ द पेपर, आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम, मतलब आपके अपने फ्रेंड से भी कहिए कि वैसा ही करें। लुक क्लोजली एट द बोथ सेट ऑफ द प्रिंट, क्लोजली उसको देखिए, कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस इन पैटर्न, क्या कोई अलग से आपको नजर आया। नाउ लुक एट द प्रिंट थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड फाइंड आउट द डिफरेंस, अब मैग्नीफायर एक ग्लास लीजिए और उनका डिफरेंस चेक करिए, आपको एक एक डिफरेंस वहाँ पर पता लग जाएगा कि दोनों उंगलियों में क्या डिफरेंस है। Nowadays, uses of thumb fingerprint of uniquely identification of persons is quite common. आजकल ये बहुत common है, जैसे like आप mobile device है, जैसे कि हर mobile device जो open होती हैं या basically locked होती हैं वो fingerprint से होती हैं, उसको unlock करने के लिए भी आपको किसकी requirement आती है, fingerprint की requirement आती है। या जैसे ये देखिए, attendance के timing में mobile device है, attendance systems हैं, thumb and fingerprint. A fingerprint is a impress लेफ्ट बाई पैटर्न इन ए पर्सन्स फिंगर, मतलब लेफ्ट जो थम है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है। इफ़ यू आर एग्जामिन योर थम और फिंगर क्लोजली यू कैन सी मैनी लाइन्स इट इट, जब आप इसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं उसको ध्यान से, तब देखते हैं बहुत सारी लाइनें इसके अंदर है। यू कैन सी मैनी लाइन्स इन इट, देर दीज लाइन आर रियली स्लाइटली रेस्ड पोर्सन्स ऑफ स्किन्स एंड कॉल्ड रेंज, मतलब इनको जो रेंज होती है ये आपकी बस डिवाइड होती हैं, अलग अलग लाइनें जैसे हमारे पास निकली होती हैं, जो ये जो स्किन और ये जो कार्ड है इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इट इज़ द डिफरेंट पैटर्न ऑफ रेंज दैट कैन फॉर्म अ फिंगरप्रिंट, ये अलग अलग जो लाइनों का पैटर्न है ये अलग अलग फिंगरप्रिंट है। द थ्री बेसिक पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट रेंज आर द आर्क, लूप एंड द वॉल, ये आपके पास तीन पैटर्न हो गई जैसे इस टाइप से है, ये आर्क पैटर्न हो गया, दैट इज अ लूप पैटर्न है जिसमें लाइनें एक दूसरे के अंदर घूम रही हैं, और एक वॉल पैटर्न है। अदर देन द पैटर्न पैटर्न अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिंगरप्रिंट इज मिनट, मिनट इज आर स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ द फिंगरप्रिंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है फिंगरप्रिंट का जो हर एक में अलग अलग होता है। नाउ फिंगरप्रिंट रेंज ब्लैंक लाइन वैली वाइट स्पेस बिटवीन द टू रिंज, कि दोनों के बीच में स्पेस कितना है, ये भी चीज़ शो करता है रिंज और वैली, ठीक है ना। फिंगरप्रिंट रेंज में क्या क्या यूज हो गई, ब्यूरोफिकेशंस, एंडिंग, अनक्लोजिंग, आइसलैंड, डॉट, ये सब चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है, आइसलैंड, ब्रिज, लेक्स, अनक्लोजर, क्रॉस कवर, ये सारी चीज़ें आपके पास जो डिफरेंस हैं वो एक फिंगरप्रिंट का पार्ट है। जैसे ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं एक बार, तो इनको थोड़ा सा आप यूज़ करें, ध्यान से देखें इनको, तो ये सारे जो पॉइंटिंग है फिंगरप्रिंट रेंज से रिगार्डिंग है, ठीक है, जो ये हमारा सेशन है पूरा ये फिंगरप्रिंट रेंज से रिगार्डिंग है। नाउ फिंगरप्रिंट मेनोट क्या होते हैं, मेनोट रिफर टू द स्पेसिफिक प्लॉट पॉइंट ऑफ द फिंगरप्रिंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रेंज, ठीक है।
Now, generally, range ending the verification is mostly declared main point. ये जो points आप देख रहे हैं कि कहाँ पे इनके बीच में gap कितना है, ये सब चीजें show करती हैं. Now, कुछ practical activities हैं. Technique used of the thumb and finger detections. कैसे आप technique use करते हैं? Fingerprint recognition is an automated method of identify an individual based on the comparison of fingerprint. मतलब हम एक identification के लिए use कर सकते हैं कि एक proper बंदा है या नहीं है. A biometric system using fingerprint must have the required hardware for system using fingerprint required for inputting the fingerprint and software for processing them. मतलब कई बार जैसे बैंक सिस्टम में आप जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं कि आप फिंगरप्रिंट से ही सॉफ्टवेयर आपके रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद आपकी चीज़ें आगे चलती हैं. Also matching any newly required fingerprint with the database to know its known unknown person. अगर कोई unknown person है तो उसके लिए पहले ही fingerprint को identify करना जरूरी है. Now fingerprint scanner. For inputting the fingerprint, we use fingerprint scanner. हम fingerprint scanner का use करते हैं. जैसे कि आधार कार्ड enrollment के time पे आप जाते हैं तो वहाँ पे एक scanner होता है, fingerprint scanner, जो basically fingerprint को क्या करेगा, scan करेगा. एक machine है जिसमें फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, स्कैन होते हैं. ऐसे आप अगर अपने मोबाइल में डालते हैं तो मोबाइल के अंदर भी आप देखते हैं कि फिंगरप्रिंट को क्या किया जाता है, बार बार आप स्कैन करते हैं. जब ये पूरी स्कैन हो जाती है देन वो आपके जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, ये इमेज गिवन है. ए फिंगरप्रिंट इमेज कैन कंटेन सम अनडिजायरेबल एलिमेंट्स लाइक डस्ट पार्टीशन इन द फिंगर. अगर डस्ट वगैरह है तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, फीचर्स एक्सट्रैक्शंस. नाउ फ्रॉम द एनेस्ट इमेज वी कैन फाइंड आउट द फीचर सच एज पैटर्न एंड मिन्यूट विच कैन बी यूज बाई मैचिंग विद द नॉन फिंगरप्रिंट इज डेटाबेस. पैटर्न मैचिंग होना चाहिए प्रॉपरली. ठीक है, नाउ मैचिंग ऑफ फिंगरप्रिंट कैसे मैचिंग होगी. मैचिंग ऑफ बायोमेट्रिक इज नॉट जस्ट ओनली नॉर्मल वैल्यूज कंपेरिजन बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. एक नॉर्मल वैल्यू नहीं है बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड लेंथी एल्गोरिथम डेट डिसाइड वेदर बायोमेट्रिक्स आर मैच्ड और नॉट. मतलब एक बहुत लेंथी एल्गोरिथम होता है जिसमें ये वेरीफाई होता है कि बायोमेट्रिक्स उसके थ्रू मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. मैचिंग ऑफ फिंगरप्रिंट जनरली हैपेंड बेस्ड ऑन द मिन्यूट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग मैचिंग स्कोर. नंबर ऑफ मैचेस मिन्यूट्स, डिस्टेंस बिटवीन मिन्यूट्स, क्वालिटी ऑफ मिन्यूट्स, एंगल ऑफ मिन्यूट्स, फिंगरप्रिंट रोटेशन एंड मैनी मोर आर कंसिडर. और बहुत सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती हैं. ठीक है, दिस स्कोर रेंज ऑफ एल्गोरिथम स्पेसिफाई एंड सो इट इज़ वेरी एज पर डिफरेंट एल्गोरिथम यूज. अलग अलग एल्गोरिथम यूज होती हैं. 1 to 1000 और 1 to 10,000 एल्गोरिथम इसमें यूज की जाती हैं. ये कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं कि अलग अलग आप उनको बेसिकली रिकग्नाइज करिए, अपने मोबाइल पर चेक करके देखिए. ठीक है, एडवांटेज एंड चैलेंज ऑफ थंब. क्या एडवांटेज क्या हैं और क्या चैलेंजेस हमारे पास आती हैं. अब सम एडवांटेज ये हैं, जैसे इट इज़ इजी टू स्कैन एंड गेट ए फिंगरप्रिंट. रिलेटिव लो कॉस्ट लो है, स्मॉल साइज है, वाइडली एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, एक्यूरेट है. अब कुछ बेसिकली जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या क्या हैं. फर्स्ट वन, फिंगरप्रिंट इमेज क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेट. क्वालिटी बहुत जरूरी है. द स्कैन इमेज विल नॉट बी एक्यूरेट इफ देर आर कट्स और इंजर्ड. अगर कट है या इंजर्ड है तो स्कैन बेसिकली अच्छा नहीं होगा. सम स्किन कंडीशंस और डिजीज, स्किन मतलब प्रॉब्लम आ गई, एज के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम आ गई. कई बार स्कैन जो बेसिकली सेंसर है वो बेसिकली स्कैन नहीं कर पाता है. इफ द फिंगर इज वेट ड्यू टू द वाटर, अगर आपकी उंगली भीग गई है तो भी आपका वो सेंसर प्रॉपरली काम नहीं करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द आयरिस रिकॉग्नाइजेशन. जैसे आंखों की जो पुतलियां हैं वो क्या बेसिकली आपके पास आंखों से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. आयरिस इज मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल बायोमेट्रिक्स अमॉन्ग डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक्स मॉडलिटीज. मतलब जितने भी डिजाइन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेसिकली एक रिलायबल है, एक्यूरेट भी है. रीजन बिहाइंड ऑफ इट, फर्स्ट टचलेस एंड सेकेंड इट इज रिमेन मोस्टली अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ. और पूरी लाइफ में ये चेंज नहीं होता. जैसे आपने देखा होगा कि थम्स चेंज हो गए हैं, किसी एक्सीडेंट की वजह से भी चेंजेस हो जाते हैं, बट आंखों की जो आयरिस हैं वो चेंजेस नहीं होती हैं. तो कुछ यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दी हैं, जैसे आई लिड, पपिल्स एंड आयरिस एरिया. ठीक है, दैट इज अ पॉइंट. आयरिस पैटर्न सबसे पहले चेक होता है. इन द आयरिस रिकॉग्निशन सिस्टम आयरिस पैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. जनरली आयरिस हैविंग टेक्सचर पैटर्न दैट इज डिफरेंट पर्सन बाय पर्सन. ये अलग अलग होती हैं, टेक्सचर जो होती हैं, फीचर जो होती है वो आयरिस अलग अलग होती हैं सभी की. जैसे कुछ वेव्स दे रखे हैं, जैसे स्मूथ वेव, रफ वेव,
क्लियर वेव एंड हार्ड वेव, ये अलग अलग आपके पास क्या होती हैं, टेक्सचर होती हैं, उनकी फोटोज आप देख रहे हैं यहाँ पे। आयरिस एक्सट्रैक्शंस, आयरिस एक्सट्रैक्शन इज द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट आयरिस इन द फॉर्म विच कैन बी यूटिलाइज्ड व्हाइल मैचिंग द टू आयरिस। जब दो आयरिस को मैच करते हैं तो आयरिस क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द मास्किंग, मास्किंग इज द प्रोसेस इन विच इनपुट विल बी मास्क एज पर इंटरेस्टेड रीजन इन विच एक्चुअल आयरिस इज प्रेजेंट। मतलब जहाँ पे एक्चुअल आयरिस प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, मास्क्ड इमेज बोलते हैं। ठीक है, ये लोकलाइज्ड इमेज हो गई, ये मास्क्ड इमेज हो गई। क्रॉपिंग, क्रॉपिंग का मतलब जो जो पार्ट है उस जो अनवांटेड पार्ट है उसको हटा दीजिए तो वो क्रॉप्ड करके आप देख सकते हैं फिर आयरिस के साइज को। ठीक है, ये चीज़ें आगे क्लियर हो गई, तो इस तरीके से आप वो चीज़ें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इंट्रोडक्शन। अब करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, टेक द नोटबुक ऑफ थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स, मतलब तीन अलग अलग से बेसिकली फ्रेंड की कॉपी ले लीजिए, कंपेयर देयर हैंड राइटिंग विद योर्स, हैंड राइटिंग चेक करिए। नो इट विल नॉट बी ईच पर्सन विल हैव हिज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब हर एक बंदे का लिखने का अपना तरीका होता है। ईच अल्फाबेट वुड बी रिटन इन ए डिफरेंट वे बाई ईच पर्सन, हर अल्फाबेट अलग अलग लिखे जाते हैं हर पर्सन के थ्रू। बट अवर ब्रेन हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिकोगनाइज करेक्टर, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो रिकोगनाइज करता है करेक्टर्स को। विच एवर वे इट इज रिटन, नाउ हाउ कैन वी मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड प्रिंटर प्रिंटेड ऑन द हैंड रिटन करेक्टरिस्टिक्स, कैसे आपका प्रिंटर उसको रिटन को बेसिकली यूज करता है। नाउ कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, पेपर लीजिए अलग अलग से और उस पर कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, तो हर बंदे का जो स्टाइल है वो अलग अलग होगी। नाउ टेक्नोलॉजी बिहाइंड द करेक्टर्स, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं लाइक करेक्टर रिकॉग्नाइज इज कन्वर्जन ऑफ इमेज इन द हैंड रिटन और प्रिंटेड करेक्टर इन टू द टेक्स्ट डेटा इन नॉर्मल अल्फाबेट एंड नंबर्स, अल्फाबेट में भी हो सकते हैं नंबर में भी होते हैं। तो एक मशीन आती है दैट इज कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR सिस्टम आर मेड अप द कम्बिनेशन ऑफ ए हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लिखे होते हैं, इसमें आप अपने सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं जिसको कंप्यूटर बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब कंप्यूटर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल होती हैं। तो एक इस टाइप की मशीन आती है जिसमें कोई भी चीज़ लिखी जाती है और वो स्क्रीन पर पब्लिश हो जाती है, दैट मशीन इज कॉल्ड OCR बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास बैकग्राउंड में लिखने का तरीका हो गया। तो ऑल दीज आर द टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ चीज़ें यूज करते हैं। नाउ देखो एप्लीकेशन ऑफ करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट ऑन कन्वर्टिंग प्रिंट डॉक्यूमेंट इनटू द फॉर्म वी कैन बी एडिट विद वर्ड प्रोसेस लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चेंजिंग डॉक्यूमेंट इनटू द टेक्स्ट, टेक्स्ट में चेंज कर दिए, स्टोरिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज़पेपर मैगजीन और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नाउ सिग्नेचर डिटेक्शंस हैं, जितने भी सिग्नेचर डिटेक्शन की टेक्नोलॉजीज आती हैं वो बेसिकली सेम उस पर काम करती हैं, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास थ्री टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन हमने यूज़ किया अलग अलग से। जैसे फर्स्ट वन हमारा थंब और फिंगर स्कैनर रिकॉग्नाइजेशन था, उसके बाद हमने आयरिस यूज़ किया, देन नेक्स्ट वन इज़ अ करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है जिसमें आपने सिग्नेचर्स बनाने के तरीके देखे कि हर बंदा किस तरीके से अपने सिग्नेचर्स बना सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, बट आज वापस हम बेसिकली थंब और उस पर आ गए हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट, दैट इज़ द थ्योरेटिकल सेशन, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो आप इसको बेसिकली रीड करिए। तो ये हमारा आज का सेशन था, दैट इज़ द सेशन नंबर 3 ऑफ यूनिट 3।